समाचार प्लस पर इसी कार्यक्रम में और दिन भर दूसरे बुलेटिन में भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन जब सूबे के मुखिया अखिलेश यादव पूरे लाव लश्कर के साथ शहीद हेमराज के घर पहुंचे तो सबकी नाराजगी दूर हो गई, लेकिन उनके मंत्री अब भी संवेदनहीन बने हुए हैं। सूबे के युवा कल्याण मंत्री, खेलकूद मंत्री भी हैं ये रामकरण आर्य साहब, को शहादत के 6 दिनों के बाद भी पता नहीं चला कि उनके सूबे का कौन सा जवान कहां पर शहीद हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंतराजू हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से ही, आप सभी लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, विशेषज्ञ नेता एक्सपर्ट उनसे बात करेंगे। जी हां, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहीद हेमराज के परिवार वालों से मिलने मथुरा के शेरनगर पहुंचे और वायदा किया कि शहीद के परिवार को ही नहीं बल्कि उस गांव की एक एक जरूरत को सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। इस पहल का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि बहुत देर कर दी सरकार आते आते। पसरा था मातम, दिल रो रहा था खून, वो बने रहे बेगान जब होने लगे इंतहा, और उठने लगे सवाल, झुक गई उनकी आंखें, शहादत को किया सलाम, देर आए दुरुस्त आए। सियासत को शहीद की शहादत याद आई और सूबे के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे शहीद की चौखट शेरनगर पर। सामाजिक सरोकारों को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले आपके अपने चैनल समाचार प्लस ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया था। सरकार ने भी इस भूल को सुधारने का वादा किया और सपा के दो दो महासचिव रामाश्रय कुशवाहा और रामगोपाल यादव ने भी वादा किया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहीद के परिजनों से मुलाकात करेंगे। खैर, वादे हकीकत में बदले और मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया, साथ ही सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। शहीद के सम्मान में इतनी जनता निकली है आपने देख लिया, और कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, और किसी भी पार्टी का आम जनमानस ने सम्मान की दृष्टि से देखा है और सम्मान करता है पूरा देश। जो देश की सुरक्षा पे शहीद हो रहा है, जो देश की रक्षा में जो शहीद हो रहे हैं, उनका सम्मान करना, उनका गर्व करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीजेपी के नेता भी शहीद हेमराज के घर पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। पुत्र को और हमारे पति के शहीद होने के बाद जो सरकार के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, जो समुचित सम्मान मिलना चाहिए था वो समुचित सम्मान नहीं मिला। यह सच है कि अंत्येष्टि के समय कोई न तो उत्तर प्रदेश सरकार का और न तो केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं था, और मैं देखता हूं कि जब कोई आतंकवाद का आरोपी यदि गिरफ्तार होता है तो सारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जमघट वहां लग जाता है, लेकिन जो हमारा सेना का जवान अपनी जान हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, यदि वह शहीद हो जाता है तो क्या उसे जो समुचित सम्मान मिलना चाहिए वह भी सम्मान ये सरकार नहीं दे सकती। और भारत सरकार से ये अपेक्षा करता हूं कि यूनाइटेड नेशंस हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये विषय को उठाए। इस प्रकार के अमानवीय कृत्य, इस प्रकार की मनोवृत्ति, ये पूरे देश के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए लांछनास्पद है, और भारत सरकार ने इसमें कठोर भूमिका लेनी चाहिए। वहीं सिर की मांग के लिए अनशन पर बैठे शहीद के परिजनों का साफ कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। उसका मेघनाथ का सिर कटा था, वो भी वापस मिल गया था, और हमारे लड़के शहीद हेमराज का जो सिर काटाया उन्होंने, उस सिर को हम वापस मंगाना चाहते हैं, और ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सियासत की इस रवायत से दूर सेना प्रमुख भी पत्रकारों से रूबरू हुए और साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा कि वो भी श्रीनगर जाकर शहीद हेमराज के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मथुरा से अनूप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो अखिलेश यादव साहब कितने भी इंतजाम कर लें, लेकिन अपने जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी संवेदनहीनता से बाज नहीं आ रहे।
शहीद हेमराज का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका है, लेकिन सूबे के युवा कल्याण और खेलकूद मंत्री साहब महोदय और पता नहीं कितने गणमान्य माननीय कुछ भी लगा लीजिए आगे, रामकरण आर्य साहब, इन्हें ये नहीं पता कि शहीद हुआ कौन, उसकी जो पार्थिव शरीर है वो कहां आया, कहां अंतिम संस्कार हुआ। मंत्री जी की समझ पर तरस आता है। रामकरण आर्य जी के बयान की समाचार प्लस घोर निंदा करता है, मजम्मत करता है, और मंत्री जी युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं, एक युवा, एक सैनिक, एक वीर सेना पर, सेना की तरफ से एलओसी पर शहीद हो गया और मंत्री जी को पता नहीं। मंत्री जी, ऐसे आप अपना कल्याण तो कर सकते हैं, युवाओं का कल्याण नहीं कर सकते। लाश उसकी आ गई कि नहीं, कभी लाश आती है कभी नहीं आ पाती है, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। शहादत और संवेदनाओं पर जोरदार तमाचा मारने वाले ये जनाब यूपी के मंत्री हैं। शहादत को शर्मसार करने वाले मंत्री के पास युवा कल्याण एवं खेलकूद महकमा है। जनाब बस्ती की महादेवा के सुरक्षित सीट से विधायक हैं और पुराने समाजवादी। मुख्यमंत्री जी, आप भी देखिए और सुनिए अपने सिपे सालार के इस बयान को। लाश उसकी आ गई कि नहीं, कभी लाश आती है कभी नहीं आ पाती है, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। संवेदनाओं पर मंत्री का ये मजाक दिल तो दुखाता है, साथ ही दहलाता भी है, क्योंकि एक मंत्री का भरी भीड़ में ये पूछना कि लाश आ गई है या नहीं, सवाल खड़े करता है सियासत की उस समझ पर जिसमें मंत्री बनने के लिए अब तक कोई पैमाना नहीं है। सवाल दर सवाल मंत्री जी अपनी चूक समझ गए और मौके पर सुधार भी लिया। देखिए संजोग है, नहीं ये तो संजोग है, कभी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं कभी नहीं पहुंच पाते हैं, कैसे जघन घटना घटी है। तो अब तो देश के लिए मरा, वो तो हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए आदर्श है, मेरे लिए देवता के समान है, और जो सरकार को आगा उसको करेंगे। सूबे की जनता सब सुन और समझ रही है, किस तरह उसकी सोच की हंसी उड़ाई जा रही है, जिसे उम्मीद थी कि सूबे में बहुत कुछ बदलेगा और नहीं कुछ तो कम से कम सियासत जरूर बदलेगी। कुमार विकास, बदायूं, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं से हमने कोशिश की कि आज वो हमारे स्टूडियोज में आए, हमसे बातचीत करें। तो जो नेता छोटी छोटी खबरों पर भी अपना फोन और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तत्पर रहते थे, आज किसी ने भी इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने में कोई भी तत्परता नहीं दिखाई, उल्टा हमारे नेता को उन्होंने ठुकराया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सरकार अपने इन बयानों से किस तरह से बैकफुट पर है, ताकि मैं ये आपको बता पाऊं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, मुझे बताइए, जो रामकरण आर्य साहब हैं, अखिलेश जी आज गए, अच्छी बात है, सरकार देर से पहुंचे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये जो रामकरण आर्य जी हैं, इनकी मंद बुद्धि पर क्या कहा जाए। ये कह रहे हैं संजोग है साहब, संजोग है, कई बार बहुत लोग पहुंच जाते हैं, कई बार लोग नहीं पहुंचते। ये कह रहे हैं देश के लिए मरा है, एक युवा कल्याण मंत्री, एक नौजवान सैनिक जिसने अपना सर कटा दिया इस देश का सर ऊपर रखने के लिए, उनके लिए ये आदरणीय मंत्री जी मरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहीद कहने में इनकी जुबान गिर जाती लगता। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव जी, उनके लिए एक बानगी है, वो देख लें अभी से, फिर से भी देख लें एक बार कि उनके मंत्रिपरिषद में कैसे कैसे आईक्यू वाले, किस लेवल के, किस सोच के लोग हैं। इसे यदि वो बानगी समझ के भी अपने मंत्रिपरिषद को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, और नए सिरे से मंत्रिपरिषद में अपना हेर फेर जो भी करना हो देख लें, क्योंकि ये किसी मंत्रिपरिषद के लिए या मंत्री के लिए या सरकार के में बैठे लोगों के लिए इससे शर्म की बात क्या होगी कि हम जिनकी बदौलत हैं उनको हम अगर हल्के मिले, उनको सम्मान भी ठीक से ना दे पाए, उनके आदर के साथ भाव न व्यक्त कर पाए, उनके बारे में जिनको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक हफ्ते से कोहराम मचा हुआ, उतनी भी कॉमन सेंस की जानकारी नहीं रख सकते हैं। तो ये तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक वानगी है, वो देख लें कि कैसे कैसे नमूने रत्न हैं, उनको एक बार देख लें वो, और जो उसके बाद उचित समझें वो करें।
अखिलेश जी, पारसनाथ यादव हमारे साथ शुक्रवार को हमारे स्टूडियोज में थे। वो कहते हैं कि साहब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं डीएमएसपी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, बताया क्यों नहीं सरकार को? गजब का बयान दे रहे हैं भाई। क्या मंत्री, विधायक, सांसद, नेता अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते क्या? पूरी दुनिया को पता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बन गई। पारसनाथ जी कहते हैं जब हमारा अधिकारी हमें बताएगा तब हम जाएंगे। यानी क्या मंत्री जी की खुद की समझ कुछ नहीं है? अधिकारियों के रिमोट कंट्रोल से मंत्री जी चलते हैं क्या? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जो अगर सक्रिय है तो उसे अगर इस तरह की चीजों की जानकारी नहीं है तो भी गलत है। और खास तौर से जो सत्ता में बैठा है उसे तो अपने सूबे का, जो सत्ता का मुखिया है, उसे यदि अगर अपने सूबे के चप्पे चप्पे की जानकारी नहीं है तो सत्ता में ये जान लीजिए वो कभी सफल नहीं हो सकता। हाँ। जिसको अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर की चप्पे चप्पे की सूचना, तत्काल सूचना नहीं है, राजनीति और युद्ध में एक ही वेपन होता है, वो है सूचना। एक में खून बहता है, दूसरे में खून नहीं बहता है, बस इतना सा फर्क है। तो अगर सूचना से आप कमजोर हैं तो आप जीत नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं जीत सकते हैं। तो अगर मुखिया है कोई और उसे तत्काल महत्वपूर्ण सूचनाओं की सूचना नहीं मिल रही है तो ये मान लीजिए कि कहीं बहुत बड़ा लैप्स है आपके बीच में, आपके व्यवस्था के बीच में, और उसके लिए आपके आगे परेशानी आपका इंतजार कर रही है जी, ये तय मान लीजिए जी। गोविंद पंत राजू, मुझे समझ नहीं आता, आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, लाव लश्कर के साथ पहुंचे, जब उनसे मीडिया कर्मियों ने एक सवाल पूछा कि साहब आप देर से क्यों पहुंचे, उस सवाल को वो टाल गए। मैंने कई बार वो पूरा बयान मैंने कई बार सुना, हो सकता है कि मेरा कान धोखा खा गया हो, कुछ बोल रहे हो, मैंने कम से कम 20 बार गोविंद जी वो बयान को बार बार अपनी एडिटिंग मशीन में सुना। उनसे बहुत क्लियर कट सवाल पूछा गया कि साहब आप देर से क्यों आए, वो चूंकि अखिलेश जी वो राजनीतिक दलों से, पार्टियों से, लाइन से ऊपर उठकर शहीदों का सम्मान करने का मूल मंत्र मीडिया के सामने बयां कर रहे थे, तो मीडिया कर्मियों ने पूछा कि साहब आप देर से क्यों पहुंचे, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कायदे से सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए था कि हां हम देर से आए, हम माफी मांगते हैं, लेकिन हम आए हैं, पूरा सम्मान के साथ आए हैं, ये कहने में क्या दिक्कत थी? मुझे लगता है इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से बहुत चूक हुई है, एक के बाद एक लगातार चूक हुई है। और ये मामला सिर्फ सूचना मिलने या सूचना न मिलने का मामला नहीं है, ये मामला संवेदनाओं का मामला है, और ये मामला सरकार की जो सैनिक एक परिवार है, एक सैनिक जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसके प्रति कितनी संवेदनशील है हमारी सरकार, उसको भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कहीं कहीं इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वो इलाका जिस इलाके में शहीद का गांव था, समाजवादी पार्टी का, वहां समाजवादी पार्टी को पराजय मिली थी विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में पराजय मिली थी, और लोकसभा का भी परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं गया था, तो अगर इस तरह का राजनीतिक सोच इस मामले के पीछे है, मैं इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि इतना निचले स्तर का सोच होगा इस वहां न जाने के पीछे, लेकिन अगर जैसी राजनीतिक चर्चाएं हैं, जैसे राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, अगर इस तरह की बात है तो ये तो और भी शर्मनाक जी। अमिताभ मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी की एक बात से कहीं ना कहीं मैं अपने आप को संबद्ध जरूर करना चाहूंगा, सवाल उठाने के लिहाज से, जनता के लिहाज से। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि जब उनके शब्द दूसरे थे, मैं उसका भावार्थ ले रहा हूं, आतंकवादियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ जब मुकदमे वापसी की पहल करने की बात आती है तो पूरी सरकार कमर कस के मीडिया के सामने तमाम सूचनाओं का अंबार लगा देती है, लेकिन जब देश का एक नौजवान सीमा पर अपने देश का सर ऊपर रखने के लिए अपना सर कटा देता है, किसी को फिक्र नहीं, किसी को परवाह नहीं, इसे क्या कहेंगे? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहस, मुबाइसे, तर्क, एक्सप्लेनेशन इनसे परे हो जाती है, उनमें कोई तर्क नहीं चलता, कोई बहस मुबाइसा उनमें करना भी नहीं चाहिए शालीन व्यक्तियों को। इंदिरा जी की हत्या हुई, उस पर कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता ना। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण बताता हूं, कुछ घटनाएं ऐसे थी जो फिर उन पर तर्क वितर्क कुतर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये शहादत हुई,
हुकूमत उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी तय करनी चाहिए थी, प्राथमिकता क्या है। उनकी प्राथमिकता थी गाजियाबाद में भारोत्तोलन प्रतियोगिता सरकार की, कि वहां पहलवानों को